इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद पूरे इजराइल में सरकारी इमारतों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सभी सरकारी बिल्डिंग्स की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इजरायली पीएम के घर पर अटैक हुआ है, जिसके बाद आसपास के इलाकों को आपको बता दें अलर्ट जारी यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आईजीएफ के सामने आ गया है। इजरायली पीएम के घर पर अटैक अपने आप में हिजबुल्ला की तरफ से इस अटैक को बहुत बड़ा देखा जा रहा है, और इसके बाद की पिक्चर क्या हो सकती है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आसपास के सभी सरकारी बिल्डिंगों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो इजराइल की सेना की हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने वाले हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल के हमले में जहां पर हमास चीफ मारा गया उसे ठीक 200 मीटर दूर उसका राइट हैंड यानी कि अंग रक्षक भी मौत के घाट उतार दिया गया है। हमास पर स्ट्राइक का आलम यह है कि इस समय इजराइल के हमले में हमास के टॉप कमांडर जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनके खात्मे का पुख्ता प्लान तैयार हो चुका है।